लैला खो 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 न रे दोगली भोसरो ना खड़ा कैले बानी हई सरोसा के भाजा वाले त पर परालू अंडा देखा तनी कैसे ना पारता पारा ना त हगा मुता के जिया ने करा दे पर ए भइयो ए दादा के मुगा दे बहु का ओकरा पारे के होती त पड़तै ना त ना पड़तै सुनना भइयो 2 घंटा से हम तोर नौटंकी देखा तनी काल हमर अंडा खाए के भाज बा अगर मुर्गी के तनको रेफ लाग गेल त साले भूल जाम कि तू हमर बड़ भाई बारे हां त भूल ना जो केंगे तोरा से अंडा वा परवा लेतनी साले मुंह ना गार बल गोबना नाम चाहतरन के आज मुर्गी अंडा वा ना परो इस तरह के काल भाज बा त कल 2 गो अंडा खाइय हम लैला लैला आराम से पारो लेकिन आजे पारो कावे सार लोग हम जानते तोन को जी आ जाइबो हमरा बाप के जूस खाना लोग आंटा पर भार लगा था एगो मुर्गी पोसले बानी कोर कुटु मता कुटा भी लाई लेखन दौरा था रोहई त खाई सारवा सब लेकिन ये सार लोग सब बची तो अपनो क्यों खाई ए लोग के मुंह मारे के बा हमरा हई सारो से खा लो तो कुछ बोलल ना मौगाए रहल आ हमरा पर चाप चढ़ले बार ड्राइवर बानी तोरा से अरे अपना काम है बनता आ गार मारबे कुटु रे कौनागत के सारी बोलले हरी तनको शोभलाऊ हो पार दल अंडा लैला अंडा के साथ साथ गंदा भी कर दिलू अब चल जा होकर लगे होकर बाड़ी आज अन कोच बना के खाए बहुओ तनका हमरो के खियाइए दादा देखा तरह उतने बहुत बा सूंगे दे हमारा ही ना खियावे के बात करो तरह जो सरवा ना खियाइए हमारा ने खियाव जाता के होके ए माई ए तनका तेल बेसी रखिए अंडा फूले के चाहिए साली के बाप के जिम्मेदारी बा नाश्ता निकाल के रखल जा साला एगो दमादो बा त डेढ़ महीना से घरे बैठल बा बाहर भीतर जाए के नामे नहीं खेले बा जिंदगी भर हमरे कमाई खाई का दुन सरवा ए माई तनी हमरो के दी है हमनियो बेटे बनियो रोको ना बाबू हमर दे तनी आज अंडा छुआ गेल नु त चूल्हे फोराई आज हां तोहर बाप ने चूल्हा बनेले बरन फोड़ दिया हरिओम 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 धर बो धर तंग तुर ले का दिन हमार ना कोरोना खाई धर रे चाणवा धर अपना गारो में ठूस ले धर धर घर में अंडा खाना बनी तो खाएं क्या वो निकला देखा बाहर क्या हुआ इल्बा? अरे सुना था नहीं देखी ना क्यों चिल्लाता? तू कहाँ जा रहा है? अरे भाई कुछ चीज बेचनी है पैसे की जरूरत है। भाई चीज क्यों बेचनी है थोड़ा कमा लेना। और कैसे कमाऊँ? एक जॉब करने की सोच रहा था पर इस जॉब से टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये बात है तो तू कॉपी ट्रेडिंग ऐप क्यों नहीं यूज करता ऑक्टा एफएक्स की तरफ से? क्या ऑक्टा एफएक्स? हाँ ऑक्टा एफएक्स के बारे में तेरे को नहीं पता? ये दिल्ली कैपिटल का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी बन गया है और तो और इंडिया का बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर 2022 भी है। तेरे को पता है सब के बारे में? मुझे भी बता। इस प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स की जिसे मास्टर ट्रेडर्स भी कहा जाता है। आप अपना मास्टर ट्रेडर खुद चूज कर सकते हो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क स्कोर को देखकर। फिर बस कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी ट्रेड्स मास्टर ट्रेडर करेगा वो सब आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। इसका मतलब जब भी मास्टर ट्रेडर अर्न करता है आप सब भी अर्न करेंगे। इसका कमीशन बहुत कम होता है और पे भी आपको तब करना होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो। तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना सच्ची? हाँ हर ट्रेडर को रैंक भी किया जाता है उनके रिस्क पे 1 से लेकर 6 तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट के बेसिस पर। मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है मेरे भाई। ये तो सही है। तो अगर आप सब भी अपने पैसों को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस। तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कुत्ता लेखन कौन चिल्लाता रे के बा? ए बा आदमी नहीं के चिना है पहले एक गिलास पानी ले आओ कुल्ला करे के बा प्रणाम। अरे सतरंगी बाबू का समाचार बा? अब बोरी दिन बाद पूरा वेशभूषा बदल के। फूफा जी प्रणाम। प्रणाम फूफा। प्रणाम फूफा। खूब खुश रह खूब खुश रह। आइला आ तू का फूआ 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 तो थोड़े मजे मारत हो फूफा। मेहमान जी तनी होश में ना तो रहो बहन के मजे मरवा दे।
ए महाराज माजा मारे के मतलब गलत का समझे। घर में पंखा लागल बा, गैस पे खाना बनाता, वॉशिंग मशीन में कपड़ा पिचाईता, ये सब माजा ना बता का बा। फूफा तो बात ठीक है कहत हो, पापा नु अपन दोगल अपन सोचल हवा। हाय पतर के पतर का इधर बैठ। इधर तब मेहमान जी राउर बहनिया माजा मारा था कि ना? कोनो ठीक बा, माजा मारते हो धनी घर में शादी भेल बा, एसी में रहला आ खाना पीना नौकर बनावेला। सब तो भगवान के मर्जी बा। फूफा ओ फूफा चला ना अंगना में माई बुलावता, चला ना माई नाश्ता निकाल के पलंग पर धैले बा, चला आओ तनी आओ तनी आओ। ए मेहमान बाहर बैठू, भीतर कहा जा तनी। ए हटू सरोजिन बुलाओ तरी। 12 दिन ओकरा वेट कला केने बारो ओ करे जा। अरे भौजी काल में हो। भौजी प्रणाम। खूब खुशी रही, खूब खुशी रही। बड़ी सुंदर लगा तरी भौजी, मन कर तो काचे काट ली छोड़ा। आ कहीं ना ना दिए के समाचार ठीक है मान में कि रहुआ लेके नहीं की। मेहमान जी नंबर 12 बनिया खा रहा बा कोती भौजी। ए राहुल ठीक। हमरा दिले घबरा गेल, हम समझ नहीं कुछ और। मारा गंदा गंदा बार सोच के, मारा गंदा गंदा बहू। अरे फूफा जी के बैठे लगे कुर्सी लिया आवाज जा। ए जो जाके कुर्सी ले भाई। तोरा के कॉल हुआ कि हमरा के? तोरा के माई केकरा कॉल है कुर्सी ले आवेला? तोरा बाप के। ओ पापा के। पापा जाके कुर्सी ले आओ, फूफा के बैठेला माई कहत हवा। तू सरा हो खड़ा हो के मतारी के खेला देखा तरह जो सला जाके कुर्सी ले आओ। हम ये गाय जाई हो एक ने कहला कहल एक ने के तोर बाप हो कि बाप के बाप के बाप हबो। कथि कहले रे सारा बाप चाहेंगे बतिबे। मारत करा बरे निपुतरा मुआ ना तो हमरा लइका वाके। ए चुप बतरी तू चुप, ज्यादा बोलू तो आज पिठा से फारो। अच्छा जाई दू भाई साहब, खिसियाओ मत, हम खड़खड़ी ठीक बानी। ए चुप चला चुप, तोरा से बोले ने की जात मऊगाठी कहीं के कर कुटुंब आवले तो दूरा पर बैठल है सुरछुराइले घर में घुस गेलन सरोजिन से भेंट करे। भला आदमी लेखन बाहर चला। अच्छा ठीक बा, बाहर नाश्ता पानी हुआ। कब से बैठल बानी सारा नोटंकी देखत तनी, भिखारी ना है घर के दामाद है पुरान का। फूफा नायका दामाद के घर में इज्जत नहीं खे, आ पुरान का दामाद के यहाँ केहू लाड़े पूछता। एगो काम करो ना फूफा, ई घर वाली लिखवाना ल। हाँ तो लिखवाइए ले, हम जहाँ एक बार ठाननी तब तो दू चार कटा लिखवाइए ले। हमार लड़वा हिलाओ ना सोरऊ के बेटा। हाँ यहाँ राउर बाबूजी और अदले बरन की लिखवा ले बा। ओ भाई जी नाश्ता करबा कि ना करबा कि भूखे रखबा? मिली नाश्ता इतना छटपटी कथी के बा, भूखे मरल जात रहा अले सरसराइले घर में घुस गेला। आए जो बाबू से जो फूफाला नाश्ता लेके आओ। ए भैया चल नाश्ता ले आओ जाओ। ए जो कोनो पहाड़ ले आओ के हो, नाश्ता ले आओ चार आदमी जाई, जैसे कोनो आदमी मरल बा कंधा देके ले आओ के बा। आइले फूफा नाश्ता, आइले फूफा पानी। अरे साला अंडा हमार अंडा कहाँ ले ले रे? ए भाई यो माई दले ये कल ये फूफा खाई हन। ए गार मारी फूफा के, हमार अंडा कोनो सारवा ना खाई। अंडा हमार गीत साले के फूफा तू खा, खाओ कुटुम खाओ, डराओ मत, ये साला अंडा के बच्चा बा। ए फूफा अंडा के खाल पूरा गार बाहर निकाल दे, हम अगर अंडा के छू दे लानू ता तोर से परवा ले हम। ए कुटुम खाओ रहुआ हम बानी नू। फूफा अंडा के छू दे ला तो हर मुंह छुकर के तोरा गार में साट दे हम। खाओ मेहमान खाओ ढीटे। फूफा तू खा हम पकड़ ले बानी। ए बुआ फूफा तू डरा मत, ढीटे खा। ए बाप अंडा मुंह में जाता। हमार जूजी खाना फूफा अंडा खाइए साला पकड़ा था।
अब ले जसन भूजा प्याज के खाई हटाव सन। ए बउआ ए प्लेट हटा, मेहमान ना खइन, इनके गाड़ भरल बा। अड्डा चा बाबा तालो बकरी के घास समय काटी लो, बैठ के चुटर से करता। बाबूजी देखी ना के आयल बारन। के आयल बारन? हम सतरंगी, प्रणाम बाबूजी। खुशी रही खुशी नहीं, काहेला ओइनी हो? मुंह मरवावे आयल बानी, साला घर में कोनो इज्जत नहीं के, कोनो टी खिलाता, कोनो अंडा छीनता, कोनो घर से निकालता है, बहुरूपिया वाणी का। बहुरूपिया राक्षस कह राक्षस, अंडा हमर काहे खाला बिना पूछ ले? ए हम का जाने अंडा कहां से लेके आइलो, मुंह में तो ना पड़े देले, छीन के खा गेले। अच्छा फूफा तू टेंशन मत ले, भेना में अंडा पारम तो खिया। अच्छा ना 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 ना, भेना में मुर्गी अंडा पारे नहीं तो खिया। बंटी अंडा तू पर बे, एक बार मुर्गा से पाल खा के पड़ते हो जो साला तू के पाल खो, रोज अंडा पड़ी है, रोज तरवा के खाइए। रे साला तू ने कहले अंडा परम दा फूफा खइयन। रे साला गलती से मुंह से निकल गेलो को गेट छोर ना छोर और मुआ आप। उठे फूफा, ए हटे रहुआ, उठे फूफा जी। अरे बाबू बाप, बउआ जी बैठावा कुर्सी पर, ए हटी। ए बटवा दौड़ल लड़का से पैदा ले लेबा, आ फिर भी लोग दौड़त रहता। ससुरारी बात आई ना लो, फूफा जी के नाश्ता ना करल हुआ, कम से कम खाना खियावा हूँ। जा बउआ जा, मेहमान के खाना लेके खिया दो, उनका घरों जाए के बा। अभी खाना बनल का हम अकेले आदि लोग, फूफा रात के बसिया रोटी और वाल सब्जी वाल याद ही वा, खाए में खटता वा। कोनो बात नहीं के सर बेटा, कोनो बात नहीं के, हमरा कोनो काम धंधा बा, बनो गरम गरम खा के जाए। आ फूफा मुर्गो के मीट मंगा दी वा का? ना 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 ना, मुर्गा एक आए ला लिए वा, खस्सी के लिए आवा। खाए में बड़ी मजा आई। केहू सार हमरा से मीट का पैसा मांग ले लखनु, तुम करा मुंह में लार धास दे। कौन बात ना, कौन बात ना, जो बोगो मीट लेके आ, जो चल भैयो। रे ठीक कहले हम मीट ले आवेला, आज फुफे के बहाने मीट चापल जाई सा, साला रोज रोज अंडा खा के लवंडा बनल बनी सा। भैयो रे अपन बापुआ हाथों पर बड़ी जोर से मरले हो, बहुत जोर से। हाँ अच्छा कोनो बात नहीं के, एक पीस बेसिए खाइए, सारा दर्द दूर हो जाएगी। हाँ पाहुन इतना करिया काहे बानी? फूफा जी चिमनी में काम करी ले। भोर से कह इतनी इतना झोकड़ल काहे लागे तनिया। फूफा जी राउरो मुहुआ गधा के फूलल गांड लेखा लागता। अच्छा दमा जी मानदान होकेला कि ना, कि हमरे लेकिन रोज रोज बेइज्जत होकेले? मानदान हमर झाट होकेला, वो से बतर दशा होकेला, लेकिन चाहेला कि कब चल जाओ, लेकिन हमू खीसे खूटा गार के बैठल बानी डेढ़ महीना से। ठीके कहतनी पाहुन, एगो हमरो समय रहे घर में जाते गोर धोवाए लागे, आ मीट मछली से घर गम गम महके। ठीके कहतनी फूफा जी, लेकिन आज के समय बा मीट मछली तो दूर के बात बा, हई सर से खाली पाद मोकेला। अच्छा ये सब बात ठीक ठाक नहीं के, लेकिन मिठुआ होता ताले आराम कर ली। इस्माइल भाई गोल पीस काटा, गोल पीस। का इस्माइल मुर्गा कैसे चलत हौ? मुर्गा चलत नहीं के, बैठल बा। सरा हूँ मजाक कैले बरा, दाम बताओ सरवा। अच्छा भाई तनिए बता भाई, सरवा दाम पूछला का? खाली पूछला का मुर्गी कैसे चलता? ए रुक, ए दाम बताओ कैसे हो? 200 रुपए किलो। ओ भाई पैसा लावा। ए इस्माइल सुन ना, एक बार हेतना बीख मत पाद, कम कितना करबे ये बताओ। ना भाई कम ना हो तो। 1 रुपए कम ना करबो? ला 1 रुपए कम दे, 199 रुपए लाओ। साला 1 रुपए कम करके एहसान करत रे, 180 रुपए देबे बोल।
अभी खरे खरे कटवा ले बहू। कम ना हो तो आगे बढ़। ए चल कम ना करी सर, चल। ए भाई बोल तू कितना चाहिए? आधा किलो। भाई मिटवा ना ले भाई का। ए लेवल जाई, चुप ना। वो अपने बुलाई कहियो भाई, हेने आवा 180 रुपए दो, तन का इंतजार कर। कहां बोला लोग रे साला? साला दोगला बारे है ना बोले लखा। चल ले लेवल जाई। इस महिला है ढाई मिनट एक किलो सरोड़ा कम कर बेटा। आई धर 200 रुपया अपना गांड में खोस ले। अच्छा एगो समय रहे हमू बहुत बड़का छिना रहे। पुपा जी रहुआ रोही हम बानी। पुपा आई देखा मीट देखत तुम्हारा साला सबके दुगलाई काचे मीट से मुंह पर मार देल। काथी दुगलाई बतियाला फुफा मुँह पर ना मरियो तो गार पर मरियो। देखत नु बड़ा साला के दुगलाई बतियाए बपो साला कम हरामी नहीं के सब सुनत रहला लइका सके समझाव लेना। हमका बार बोली वेशभूषा बनैले बारे गादहा लेकन त सह। प्रणाम मूसा। खुशी रह देहवा पर काहे ने चढ़ा देले आइलन सरसराइल घंटी मारते। प्रणाम मूसा। चल साइकिल पीछे कर। घर में खाला खर्ची ना आ बाटत रह के बा पर्ची। ए घर में दुगो कुटुम कब रह लख कि तीसरा चौथा आ गेल। ए हम ये बोला बतानी कुत्ता लेखन चिल्लाल बर आवत त साला से तो मार के बेलगा दी ना। मीट मांगा मांगा के खियावो गांड फटे न बाप के नु अर्जे में का बेलो दादा जा तरे साला के दुगलई। अरे ई त बाबी मौसी के बेटो सब आ रहे हैं रवि और रंजन। अरे कोनी बेले है सर। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। खूब खुशी खूब। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हट हट प्रणाम कराओ के औकात हो तोरा जाके फोन ले। एके प्रणाम कर लई। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। खुशी रह खुशी रह बाबू हमर। अच्छा दादा कुछ बोलो तो दादा के बात के बुरा ना मानिए सर। ऐसे मिठाई में तो नहीं कथी ले ले सर। कहा कुछ लेनी है माई पैसे ना दे ले रहल तो तोहनी कथी करे ले है धर्मशाला बुझले बारे बिना कुछ ले ले चल दे वालीस। ले पानी पी। हटा पानी। ए का बिलवा पिए दहू। ए मिठाई न खेले के आल जा दे भइयो पानी पी लेवे दही। ए बिना मिठाई के कुटुंब कसनो कलई रे। चल चल लेके चल घर। जो भइयो घरे रात हो जतौ बैठला से कोनो फायदा ना हो। साला दोगला छो सब दुगारी पे कहियो मुतहु ना आए। साले बिना मिठाई के मुंह उठा के चल दिए। बउओ देखो मीट बनल कि ना बनल भूको लागल बा। बाप के जूजी खाए ला बेचैन बरन। देखा तानी बनल कि ना बनल। माई मीट बन गेलौ? हां हो गेलौ। ए माई पानी मत लगाई हम भूजल खबाऊ। हमहू भूजले खबा लोगन। हां पानी ना लगाई ना। अच्छा ठीक हो जा जाके प्लेट ले आ लोगन जा। साला सब कहतो नहीं कि मीट बन गेले बा आके खा ल। उम्मीदो रखले बारा का खाएला उ सर्वस से बचतो तब नु खैबो। भाइयो तोरा में ज्यादा जात हउ। मीट के कमी का रे होना रे साला चुपचाप। ज्यादा जात हउ हाली हाली खोना द फुफा जतो। हां बैठला से काम धंधा ना चले वाला बा दमाजी अपना से गोड़ा चलाए पड़ी ना तो भूखे घर चियर के मोर। ए मेहमान भीतर कहां बारे बैठू बारे खाना आई। बोलू मत ज्यादा रहुआ साला हिया भूखे बैठो बैठल गार के नस फटल बा आ खाना भारी आई तोरी बहिन करा के। अरे सब रे कढ़ाई चाट के चिकन कर देले बड़ा। अच्छा एकरा मतलब अलग बर्तन में रखल बा आउट मीटवा। भाइयो
फूफा तो कुछ जानते ना हो बताओ तनी फूफा माई मिठो बने रे लखा अच्छा आ खाए में लागल बहुत से अच्छा आ तू रह गेला पाछा आ खाते खाते खत्म कर देनी आ अरे साला साला मिठो खा गेले कुत्ता के बच्चा सब बारे करे ए भोसरो केने मारू हे न्या अंगना में कैसे कैसे लेके पैदा कर ले मारू फूफा ए फूफा हमनी के बदारी के गाड़ी ना ना तो हमने मिलके गाड़ी फाड़ी ए साला हमरे घर पर मेरे भैया हां फूफा के गार में मारो साइने हाथे पकड़ाओ ए हाथ सलात ए मेहमान ए रुकी हम दूसर कुछ ले आओ तो नहीं खाएला चुप छिनरी मार दो सा मार के फूफा के गाड़ो फाड़ दो ए मेहमान आखिर का भेला काहे छिन्नी मौगी लेखन गीत का करवा तनी लइका से 200 मिल के मोर रखा अरे पापा हट जा आज फूफा के गार फाड़ो ए काहे रे का भेलो फूफा के गार काहे फाड़बे साला माई के छिनरी कहलख मार के धोती कुर्ता फाड़ दे साला के आ पापा गाड़वा के का करी साथे साथे हुआ फाड़ दे ए क्या करता लोगन ठीक नहीं कहो बीच में लबर लबर बरोता रहा तोरा घर जाके तोरा बहिनिया के छिनरी कहती तो कैसा लगता आपको चुपचाप खड़ा रहा मतलब फूफा के साथ साथ तोरो घर फरा जाई अरे फूफा के पेट में फुल्ले बा अरे मार के पचकाओ रुक अब तोरी के फुआ के बुला के ले अब तब तोरी के हम बताए कि फूफा जी के कितना मर मर ले बारे तई का देर आ रुक जा फूफा तई का देर ओकरा बाद हम ने हगाई दे हम सब तो अगर आप सब भी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए।